आपने बड़े गालियाँ, शादी के बाद की बात है, मेरे साथ बैठे हम वोटिंग करते हैं, खड़ा होकर वीडियो बनाता हूं। उड़ा लिया मजाक, अब तुम्हारी गर्दन घोटूंगा। कबीर ने बंदर को समझाया है कि सिर्फ टेबल तक तेरी एंट्री है, वहाँ तेरी ब्रेड रखी है, उससे आगे नहीं आना। तेज होते हैं बंदर, इनको नहीं करना चाहिए इतना हुआ। धीरे धीरे यहाँ बुलाता हूँ, उसको यहाँ पे रखता हूँ। भाई ब्रेकफास्ट करो, जल्दी जल्दी निकलना है। आओ अब नहीं आओ, अब उन्हें जान दो, हमें खान दो। तो गाइस चेकआउट कर दिया हमने होटल से, और वो जा रहा हमारा सामान आगे, भैया लेके जा रहे हैं, कुछ कुछ हमने भी पकड़ा हुआ है, बाइक में बनवाएंगे और फटाफट निकलेंगे। एक्चुअली हमने सोचा था हम सुबह 8 बजे निकल जाएंगे, लेकिन इतनी ठंड थी कि मन नहीं करा निकलने का। और अभी टाइम 10:30 नहीं 11 बज चुके हैं, और हमें दिल्ली का जो रास्ता कवर करना है अभी, यहाँ से 3-1 घंटे के तो मतलब पहाड़ी हैं, हिल्स है 3 आवर्स के, उसके बाद हमें मतलब रात हो जाएगी पहुँचते पहुँचते। अब हमने ब्रेकफास्ट तो कर लिया, अब हम सीधा रुकेंगे, कोशिश तो यही रहेगी कि लंच या इवनिंग स्नैक्स के लिए रुकेंगे। हाँ नहीं, बीच में मैगी और सैलेड आएगी। गाइस जाते जाते एक बार यहाँ का नज़ारा देख लो, देखो स्काई कितना प्यारा लग रहा है, और सामने देख रहा है। पार्किंग में हम आ गए हैं, और अब हम करेंगे पहले चेन लूप, सबसे ज़रूरी चीज़, क्योंकि चेन ड्राई हो रही है पता चल रहा है दोनों बाइक्स की। तो गाइस चेन लूप का काम हो गया दोनों बाइक्स का, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। बस ये वाला सामान जो है ना हमारा बड़ा सारा, ये लगाना नीचे करो, नीचे करो। ये सैडल की वजह से हमारी राइड इतनी इजी हो गई ना गोल्डन राइडर्स के, मतलब 70 लीटर के बैग है, लेकिन हमने इसको ऐसे ठूस ठूस के भरा है ना कि कोई सोच नहीं सकता, इतनी सी भी जगह नहीं है इसमें। बैग की क्वालिटी सुपर्ब है सुपर्ब। चले सामान लगाएं, ऑल डन गाइस। एक बार सैडल की लुक देख लो गोल्डन राइडर्स की, ऐसा कुछ नहीं है कि बुलेट के लिए, स्पोर्ट्स बाइक पर भी देखो कैसे मतलब बिल्कुल प्रॉपर फिट आए हुए हैं। टैंक बैग भी आ गए यहाँ पर, क्योंकि टैंक मैग्नेटिक कराया था, सैडल के ये लगवाए थे सैडल स्टे, बैक रेस्ट लगवाया था। तो आप लोग ना इन सब काम करवाने की, जिसने वीडियो नहीं देखी आप मेरी पीछे की वीडियो चेक कर लो, नहीं तो मैं फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, वहाँ से देख लेना कैसे कैसे इस बाइक को मैंने टूरिंग में कन्वर्ट करा है स्पोर्ट्स लुक के साथ साथ। कहीं से भी स्पोर्ट्स लुक में कोई कमी नहीं आई, लेकिन देखो कैसे टूरिंग भी हो गई, विद पिलियन हम इस पर राइड कर रहे हैं, वो भी 70 लीटर्स के सैडल बैग के साथ। हम शिमला के बस स्टॉप के पास है, और बस थोड़ी बहुत दुकानें हैं, इसके बाद फिर प्लेन पहाड़ स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ का व्यू देखो यार, कितने बढ़िया पहाड़ हैं यार, सामने देखो कितनी ग्रीनरी है, हरे वाले पहाड़ होते हैं ना पेड़ पौधों वाले, इसलिए यहाँ पर गर्मी भी नहीं होती, तो मज़ा ही अलग है। यहाँ का सूखे पहाड़ नहीं होते, जैसे राजस्थान साइड में ज़्यादा सूखे पहाड़ मिलते हैं, और यहाँ पर पूरी ग्रीनरी है। इसके बाद हाईवे आएगा, तो इसलिए मैं कहा यहाँ पर व्लॉग करने में मज़ा ही अलग है यार, इसलिए मैंने कैमरा ऑन किया आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ का व्यू। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब हमने वही सब पहना है, इनर ऊपर स्वेटर पहना है, उसके ऊपर राइडिंग जैकेट में तीनों लेयर के साथ पहनी हुई है। हिल्स पे R15 V3 को राइड करने का बहुत मज़ा आ रहा है, आते हुए थोड़ी शाम बातें हो गई इन बारे में, अब थोड़ा सा अपना मज़ा करते हैं पहाड़ों पे राइड करने का, और फिर मैं आपको मिलता हूँ थोड़ा सा आगे। अभी आप म्यूज़िक एंजॉय करो और थोड़ा सा रास्ता देखो, इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा। उतर जा है? तो गाइस हमने यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लिया, एक्चुअली दीपिका भी पीछे सो रही थी, नींद आ रही थी, तो हमने कहा गोलगप्पे दिख गए हैं, पहाड़ों वाले गोलगप्पे भी खा लेंगे और नींद भी खुल जाएगी। तो गाइस एक छोटा सा ब्रेक लिया, अभी हम यहाँ पे गोलगप्पे खाएंगे और देखते हैं क्या क्या खाना है, फिर उसके बाद जाकर नींद ना आई तो फिर थोड़ी देर बाद जाकर ही रुकेंगे, अब एकदम नहीं रुकेंगे। तो ये देखो यार बढ़िया से गोलगप्पे खाने लगे हम। तो गाइस आगे जा रही है टाइगर बाइक, ट्रायम्फ टाइगर, निखिल भाई नहीं मिले लेकिन उनके जैसी बाइक है बिल्कुल हमारे सामने, और ऑफ रोड है तो भगाते रहते, मतलब टूरिंग बाइक है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ऑफ रोड हो या अच्छा रोड हो। गाइस व्यू देखो यार यहाँ का, ओ माय गॉड यार, बार बार सोचते हो मैं यही बात बोलता हूँ, लेकिन सही में यहाँ के नज़ारे ही ऐसे हैं कि एक मोड बदलता है और क्या एक नया नज़ारा मिल जाता है यार देखने के लिए। तो गाइस एक ब्रेक और लिया है, एक तो नींद की प्रॉब्लम थी उनको, और फिर ना ये देखो ये वही सैलेड और मैगी, हम मतलब आते हुए भी यहीं रुके थे, और हमने कब दिल्ली जा रहे हैं तो पहाड़ों वाली मैगी एक बार फिर से खाई जाए, और वही सैलेड बहुत टेस्टी थी, फ्रूट सैलेड। बस यहाँ से खा के अब हम सीधा स्टॉप लेंगे मुरथल पे जाकर। वैसे प्लान ये हो रहा था दीपिका का कि अगर होता है तो चंडीगढ़ भी एक रात रुक जाते हैं, थोड़ा सा देख लेंगे वहाँ से भी, तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो चंडीगढ़ रुकेंगे, नहीं तो फिर हम सीधा मुरथल पे जाके रुकेंगे। यहीं रख ले कोई नहीं।
यहीं रख ले, यहीं रख ले, सैडल का पूरा फायदा लो। कॉर्नरिंग में इतना मजा आ रहा है ना R5 V3 के। अब देखो यार व्यू, ओ भाई साहब जन्नत। क्या रोड है यार। ओए होए ये कौन आया ये? अरे मेरे को बता देता, ये बड़ा पागल का बच्चा है ये तो अभी साला मेरे सैडल से टकरा जाता और मैं जाता वहां। तो गाइस ये फर्स्ट टोल आ रहा है हमारा शिमला से आते हुए, और देखो यार यहाँ पे मेरी बैटरी अभी तक चल रही है, लेकिन ऊपर पहाड़ों में ठंड में बैटरी मतलब 20-20 मिनट भी नहीं चल रही थी, मतलब ठंड से बैटरी का बैकअप कितना कम हो रहा था क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो था। और यहाँ पर देखो बैकअप इतना अच्छा दे रही है कि शिमला से लेके अब तक यहाँ पर एक ही बैटरी अभी चल रही है। तो गाइस हमने यहाँ पर एक सुसु ब्रेक लिया था और वो देखो उसकी हालत ख़राब हो रही है, मतलब सीट पे बैठ बैठ के दर्द हो गई बेचारे का, सीन देखो। तो अभी हमने अम्बाला क्रॉस करा है और अभी हमारा यहाँ से लगभग 190 किलोमीटर है दिल्ली, उसके बाद अपना घर को जाने को भी रास्ता है, मतलब 220 किलोमीटर पड़ जाएगा। 5 बज गए हैं, पूरे 5 बजे हैं। तो गाइस हमारी ये न्यू राइडर देखो। तो गाइस बहुत सारे देखो आ रहे हैं राइडर्स, पूरा ग्रुप आ रहा है। अरे वाह मजा आ गया देख के। अरे KL का नंबर है, ओए होए हार्ले हैं ये, हार्ले, लेकिन क्या लुक है यार। तो गाइस अंधेरा हो चुका है मतलब काफ़ी हद तक, और कबीर की बाइक का पेट्रोल ख़त्म है तो पेट्रोल डलवाने के लिए रुके हैं। तुम्हारी चलिए 658 किलोमीटर 15.64 में, 15.5 लीटर में, 1200 के पेट्रोल में। तो गाइस मैंने यहाँ पर कैमरा इसलिए ऑन करा है क्योंकि देखो यहाँ पे हम करनाल हाईवे पे अभी अटके हुए हैं और जाम लग रहा है, पिछले आधे या पौने घंटे से जाम लग रहा है। और एक्चुअली क्या है, एक जने का BT कनेक्ट नहीं था, मतलब एक जने पे BT नहीं था, बाकी हम तीनों पे था। तो दीपिका को भी हमने क्या करा, चारों ने हमने कॉन्फ्रेंस करके कॉल कनेक्ट कर ली है, और अभी हम मतलब ये जाम में ही पिछले लगा लो आधे पौने घंटे से अटके हुए हैं, पता नहीं कितनी देर का और जाम है। ओहो मिट्टी आ रही है बहुत ज़्यादा। तो चलो यार आगे चल के ब्लॉक करते हैं, यहाँ पर अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, वैसे जाम बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो गाइस अभी ना पूरी रात हो चुकी है और हम मुरथल पहुँचने वाले हैं, और एक्चुअली क्या है पिलियन के साथ काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, हमें मतलब ये रहता है कि नींद आ रही हो, नींद आ रही हो, दो दो मिनट में पूछना पड़ता है यार। तो यही एक मेन प्रॉब्लम है पिलियन के साथ राइड करने में, अब ये नहीं पता इनको नींद ना आ जाए तो बार बार जगाना पड़ता है, और वो बार बार मतलब खुद भी बता देते हैं लेकिन यार जब नींद आती है ना तो पता नहीं चलता। अब बीच में नींद आ रही थी तो ऐसे कई बार हुआ है, तो ये एक प्रॉब्लम रहती है विद पिलियन। अगर हम सोलो राइड कर रहे हैं तो हमें पता है कि हाँ हमें नींद आ रही है या नहीं आ रही है, और अब तो एक बार भुगत चुके हैं तो वैसे भी हल्की सी भी नींद आए तो हमने ये सोचा हम उसी टाइम रुक जाएंगे, लेकिन पिलियन का समझ नहीं आता तो ये थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट है विद पिलियन राइड का। हाँ पिलियन हमारे खास है बहुत, उनको हम जितना मर्जी कहते रहे पकड़ के बैठो बट वो नहीं पकड़ते। तो गाइस अब हम पहुँचे हैं मुरथल टोल पे और इसको पार करके देखेंगे कहीं पे अगर डीना करना होगा भी कर लेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम तो हो ही जाएगा घर जाने में। यह मन्नत हवेली और मुरथल यानी कि आ गया प्रॉपर क्योंकि टोल पार हो गया, सारे ढाबे यहाँ पे लाइन वाइज आ जाएंगे, सुखदेव और ये आहूजा नंबर 1। तो गाइस एक छोटा सा ब्रेक लिया है फिर से क्योंकि कबीर को नींद आ रही थी, तो सामने वो चिप्स वगैरह कुछ लेने गए हैं, अभी हम डिनर नहीं कर रहे बट थोड़ा सा रुके क्योंकि कह रहे मेरी आंखें हैवी हो रही हैं, तो नींद आए उससे अच्छा 2 मिनट रुकना ज़्यादा बेटर है। ये पिलियन कंडीशन देख लो हमारे बंदों की क्या हुई है। तो गाइस हम अपने घर के पास पहुंचने वाले हैं, राइड यहां पर हमारी एंड होती है बिल्कुल, और बहुत अच्छी राइड रही है। बाकी का जो एक्सपीरियंस है वो अभी देखता हूं, जब इसकी एंडिंग करूंगा तब शेयर करूंगा, अभी मैं एंडिंग नहीं कर रहा। और हो सकता है इस राइड से रिलेटेड आगे भी कुछ ब्लॉग आएंगे इसके बारे में क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं राइड्स के ब्लॉग में, मैं जानता हूं। तो अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा पहले सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अगर यहाँ तक देख ही ली है, और जो लोग नए हो ना प्लीज़ सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, बेल आइकन प्रेस कर देना, बहुत अच्छी अच्छी राइड्स आपको ऐसे ही देखने को मिलने वाली है। जल्दी लद्दाख का सफ़र देखने को मिलने वाला है, नेपाल भूटान देखने को मिलने वाला है, तो मैं अभी से सब कुछ आपको मतलब बता रहा हूँ। तो अब ये रोड बस हमें जाना है, हमारे घर का रास्ता यहाँ से मुश्किल 10 मिनट का भी नहीं है, जब मर्जी बैटरी ख़त्म हो सकती है, लास्ट बैटरी मतलब नहीं फर्स्ट बैटरी चल रही है शिमला से अब तक, और वहाँ पर मेरी बैटरी 15-15 मिनट में SAM के डाउन हो रही थी, और यहाँ देखो शिमला से चलती आ रही है एक ही बैटरी। हाँ वहाँ पे टेम्परेचर माइनस गया हुआ था, तो यानी कि जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो इसकी बैटरी बहुत जल्दी डाउन होती है।
R15 V3 की परफॉर्मेंस का व्लॉग मैं ज़रूर बनाऊंगा, राइड का लेकर कैसा रहा है सब कुछ बताऊंगा उसके बारे में। चलो अभी बाकी का व्लॉग करते हैं, घर पे चलो। मतलब उत्तराखंड में बैठ के हिमाचल के व्लॉग को एडिट करने का मज़ा ही अलग था, और सही बताऊँ मेरी पुरानी यादें सारी ताज़ा हो गई, और फिर मैं ज़रूर ऐसी राइड पर जाने वाला हूँ। बहुत मज़ा आया था यार इस राइड पर ना, मतलब हिल स्टेशन की राइड थी और R15 पे थी, फर्स्ट टाइम थी विद मतलब पिलियन, दीपिका साथ थी, दो जने, बहुत एंजॉय करा था यार। आई होप आपने भी ये चारों ब्लॉग एंजॉय करे होंगे, दिल्ली टू शिमला, शिमला में जाखो टेंपल, कुफरी, मतलब बहुत कुछ दिखा यार इस ब्लॉग में, तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे। अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। आने वाले ब्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ जैसा कि गाइस मैं अपने इस चैनल पे फर्स्ट टाइम अनाउंस कर रहा हूँ कि मैंने अपना गेमिंग चैनल स्टार्ट कर दिया, मतलब बना दिया, बस उस पर जल्दी से जल्द गेम स्टार्ट हो जाएगी और स्ट्रीम, लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होगी, जिसमें आप और हम बातें भी करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारा इंट्रैक्शन बढ़ेगा जब हम आमने सामने बातें करा करेंगे। कमेंट्स के थ्रू मैं आपका लाइव में जवाब दिया करूँगा, और इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी गेम्स भी खेलने वाला हूँ, बहुत एंजॉय करने वाले हम। गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके क्लिक करो, फटाफट से सब्सक्राइब करो। जैसे ही वहां पे हमने एक टारगेट रखा है 1100, 1100 सब्सक्राइबर्स होते ही हम वहां पे स्ट्रीम स्टार्ट कर देंगे। अभी मैं अपना सेटअप रेडी कर रहा हूं, कैसे कैसे कर रहा हूं, क्या क्या सेटअप में है, वो सब कुछ मैं आपको आने वाले ब्लॉग में जरूर दिखाऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, इन सब के लिए चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।